नमस्कार, मसाला महक में आपका स्वागत है। मैं आज पाव भाजी बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैं ये सारी सामग्री ली हूँ। ये गोभी, गाजर, मटर, ये टमाटर बड़े स्लाइस में कटा हुआ, ये बीन्स, नींबू, और ये टमाटर कद्दूकस किया हुआ है, आलू, प्याज, शिमला मिर्च, ये पाव भाजी मसाला, कसूरी मेथी, मिर्ची पाउडर, धनिया पत्ता, पाव, अमूल बटर। तो चलती हूँ बनाने के प्रोसेस में। तो गैस पे मैं कुकर चढ़ा दी, कुकर गर्म हो गया, तो उसमें मैं रिफाइंड ऑयल डाल दी 4 चम्मच, फिर 1 चम्मच जीरा। अब इसमें मैं 50 ग्राम के करीब बटर डाल रही हूँ, तो अमूल बटर मैं यूज़ करती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये देखिए, ये बटर भी मैं डाल दी हूँ। बटर आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें, ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घी में भी बना सकते हैं। फिर मैं ये कटा हुआ आलू डाल दी। आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग सब्जी लें, ज़्यादा कम अपने चॉइस के हिसाब से, जो अच्छा लगता है वो ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो मैं ये आलू डाल दी, आलू मेरा थोड़ा सा भुन गया, 1 मिनट के लिए भून ली। तो ये मैं हल्दी पाउडर डाल दी 1 बड़ा चम्मच, फिर अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मेरा आलू भुन गया, तो अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं भूनना है, मिर्ची पाउडर, कसूरी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इससे तीता नहीं होगा सब्जी। और ये मटर, गाजर, गोभी, बीन्स, सारी सब्जी को मैं एक साथ डाल दी हूँ। उसको फिर मैं पलट के अच्छे से चला दी, नमक डाल दी 1 चम्मच, फिर ये पाव भाजी मसाला 2 चम्मच, 2 बड़ा चम्मच भर के डाल दी हूँ। फिर उसको फ्लेम को मैं बिल्कुल लो रखी हूँ। और ये कटा हुआ, रफली कटा हुआ टमाटर, और कुछ टमाटर मैं 2 टमाटर काट के डाल दी हूँ, और 2 टमाटर को मैं चॉप कर ली हूँ। शिमला मिर्च अभी नहीं डाल रही हूँ। और ये 2 कटोरी पानी, ये सारी चीज़ों को मैं डाल के अच्छे से 2 कटोरी पानी दे के मैं इसमें कम से कम 2 सीटी लगाने वाली हूँ। तो उधर मेरा कुकर का भाप निकलेगा, तब तक मैं कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल दी, फिर मैं 50 ग्राम जो बचा हुआ बटर था डाल दी, फिर ये कटा हुआ प्याज चॉप किया हुआ, ये शिमला मिर्च को भी मैं चॉप कर ली थी, तो आप महीन काट भी सकते हैं चाकू से। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें। फ्रेंड्स, तो इन सब चीज़ों को मैं 2 से 3 मिनट के लिए भून ली, शिमला मिर्च, प्याज, तो फिर टमाटर डाल दी चॉप किया हुआ, ये कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर ये कसूरी मेथी, ये जो बचा हुआ 2 चम्मच और बचा हुआ पाव भाजी मसाला था, ये भी मैं डाल दी, कसूरी मेथी भी डाल दी। सबको मैं लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फिर भून लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा सब भुन गया है मसाला, और फिर थोड़ा हल्दी पाउडर, और ये जो मेरा कुकर में सीटी लगाई थी 2 सीटी, सब्जी सब मैं डाल दी हूँ मसाले के साथ। तो आप इस तरह से बनाएं, देखिए बहुत आसान है बनाने में, बहुत कम समय में बन जाता है। और इसको अच्छे से मैं पोटैटो मैशर से मैं मैश करने वाली हूँ। तो मैं चम्मच को निकाल दी, अब पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश हो जाएगा, टाइम नहीं लेगा ज़्यादा। आप चम्मच से भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्जी तो पका हुआ रहता है, गला हुआ, तो चम्मच से भी हो जाएगा। तो इस तरह से मैश करें, देखें, और इतना अच्छा कंसिस्टेंसी आया है। ये लेमन जूस, नींबू का रस मैं निचोड़ के रखी थी, हाफ नींबू का रस, तो ज़्यादा डालने से ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। ये धनिया की पत्ती, धनिया का पत्ता चला गया। तो अब मेरा ये बन के रेडी हो गया है भाजी। अब मैं पाव को सेकने वाली हूँ बटर में। देखिए तवा मेरा गरम हो गया, तो मैं बटर डाल दी। अब बटर में मैं ये भाजी जो बनाई थी 2 चम्मच डाल दी हूँ, धनिया की पत्ती, और उसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। ये
कश्मीरी लाल मिर्च, फिर मैं फ्लेम को बिल्कुल लो रखी हूँ, नहीं तो सारा मसाला जल जाएगा। फिर देखिए ये बटर, बटर को मैं इस तरह से ताकि ये भाजी का फ्लेवर, बटर का फ्लेवर अच्छा चला जाएगा उसमें, पाव में तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में, तो उसको मैं अच्छे से सेक ली हूँ देखिए इस तरह से। तो आप भी फ्रेंड्स बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट